गवर्नमेंट ने रिसेंटली हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट की यूसेज को रिस्ट्रिक्ट किया है ग्लाइफोसेट है क्या ये एक ऐसा हर्बिसाइड है जो लीव्स पर अप्लाई किया जाता है टू किल ब्रॉड प्लांट्स एंड ग्रासेस ये हर्बिसाइड ऐसा है कि ये सारे प्लांट्स को ऑलमोस्ट खत्म कर सकता है जैसे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो स्पेसिफिक प्रोटीन चाहिए होते हैं ये उन्हें प्रोड्यूस होने से ही रोक देता है कौन से न्यू रूल्स हैं जो इसके यूज पर लागू होंगे इंडियन गवर्नमेंट ने यह स्टेप इसलिए लिया है ताकि ह्यूमन एंड एनिमल्स की जान को कोई खतरा ना हो न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग अब पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स इस हर्बिसाइड को अप्लाई करेंगे गवर्नमेंट के ऑर्डर की वजह से अब कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे क्योंकि कल्टिवेशन एरियाज़ में पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर सिस्टम कुछ खास नहीं है अब अगर पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स को इंक्रीज करेंगे तो हर्बिसाइड की कॉस्ट भी इंक्रीज होगी विच वुड ऑटोमेटिकली अफेक्ट फार्मर्स न्यू ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग ग्लाइफोसेट को बनाने में एंड बेचने के सारे रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट्स रजिस्ट्रेशन कमेटी को थ्री मंथ्स में वापस रिटर्न करने होंगे और अगर कोई कंपनी इसे डेडलाइन तक रिटर्न करने में फेल हो जाती है तो उनके अगेंस्ट एक्शंस लिए जाएंगे अंडर इंसेक्टिसाइड्स एक्ट ऑफ 1968। इंडिया में ग्लाइफोसेट कहाँ यूज होता है ये इंडिया का पॉपुलर हर्बिसाइड है एंड इसकी यूसेज तब बढ़नी शुरू हुई जब एच कॉटन की इलीगल कल्टिवेशन शुरू हुई इसे ज्यादातर टी प्लांटेशन में यूज किया जाता था ताकि अनवॉन्टेड प्लांट्स की ग्रोथ ना हो इसके अलावा इसे अलॉन्ग इरिगेशन इरीगेशन चैनल रेलवे साइड एक्सेट्रा में भी यूज किया जाता है क्विक नोट इसे बैन क्यों किया गया इसका रीजन है कि इसका लिंक डायरेक्ट कैंसर से है एंड ये इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स लाइक बीज की इनकी डेथ के रीजन बन सकता है इसका कॉन्टीन्यूस यूज करने से इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन कम हुई है जिससे इकोसिस्टम पर इफेक्ट हुआ है बाय डिस्टप्टिंग फूड चेन एंड प्लांट पॉलिनेशन